पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार भले ही प्रदेश को नशा मुक्ति बनाने में तुली हो, लेकिन नशे का अधीन लोग समाज में भयंकर रोग की तरह पाँव पसारे पड़े हैं। जहां नशा मुक्ति सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं नशे के अधीन दो युवकों ने बैंक के अंदर घुसकर जूनियर मैनेजर महिला के साथ गाली गलौज कर हंगामा खड़ा कर दिया। जनपद मुरादाबाद के बिलारी पीएनबी बैंक में दो शराबियों ने उत्पात मचा डाला, लेकिन बैंक स्टाफ में उस समय हड़कंप मच गया जब नितिन और तरुण नाम की दोनों सगे भाइयों ने कनेक्टिविटी न आने पर जूनियर मैनेजर महिला के साथ गाली गलौज कर बदतमीजी करना शुरू कर दी। जब उस महिला ने विरोध किया तो हंगामा खड़ा कर दिया। शातिर किस्म के दोनों भाइयों ने गांव पहुंचकर 8-10 लोगों की गिरोह बनाकर के बैंक पर हमला बोल दिया और बैंक दरवाजे पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। अंदर बैंक स्टाफ ने अपनी सुरक्षा के लिए डायल 100 को सूचना दी, जहां घटना स्थल पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के और साथी मौका देखकर फरार हो गए। जब इस विषय में बैंक मैनेजर से बात की गई, तो उन्होंने जूनियर मैनेजर महिला के साथ की गाली गलौज जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए बताया गया। दोनों पैसे निकालने आए थे, जहां बैंक मैनेजर ने दोनों लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली बिलारी में तहरीर दे करके न्याय की गुहार लगाई है। व्यक्ति करीब 3:30 के करीब बैंक में आया, उसने खूब दारू पी रखी थी। आते के साथ मेरी महिला कर्मचारी से बदतमीज बना करने लग गया, तो उसको वहीं से बाहर कर दिया गया। हम कर्मचारी लोगों ने मिलकर वहाँ से उसको बाहर करा। जब वो बाहर चला गया वहाँ से, वो और अपने 3-4 बंदों को लेके गेट पे आके खड़ा हो गया और गेट को बिल्कुल तोड़ने की स्थिति में थे। 3-4 के बाद वो 7-8 हुए करीब, ऐसे करते करते 10-15 लोग गेट पर चिल्लाने लग गए कि यहाँ पर बहुत, हम सब बाहर निकलो, सबको हम बताएंगे, आपका बैंक उखाड़ के ले जाएंगे, हम आपको बताते हैं क्या हो आप क्या नहीं हो। फिर हम सब लोग इतना डर गए और बैंक की सुरक्षा को देखते हुए हमने सीधे पुलिस को फ़ोन करा 100 नंबर पर, जहाँ से हमें सहायता प्राप्त हुई। उसके बाद जब यहाँ से सारे लोग गए, फिर हमने पुलिस के कुछ लोगों को अंदर लिया, तब जाके अपनी बैंक की कार्यवाही आगे स्टार्ट करी। दो लोगों को पकड़ा गया है। कितनी देर तक वो गाली गलौज करते रहे और गेट को खटखटाते रहे? सर करीब 10 मिनट तक वो लोग गेट को हमारे खींचते रहे और बिल्कुल तोड़ने की स्थिति में थे कि हम इसको तोड़ देंगे, उखाड़ के ले जाएंगे। और सबको धमकी भी दी गई कि हम सबको बाहर देख लेंगे। अब क्या करेंगे आप? सर इसमें करना, मेरी बस प्रशासन से ये उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाए और हमें सबको सुरक्षा प्रदान की जाए।